ये कुछ कल से रिलेटेड कंफ्यूजन सर। चाहे स्टार्ट करें, फर्स्ट एंट्री होगी थी, होगी समझ आ गई थी। जॉनलेस स्टूडेंट्स आवाज आ रही है। नेक्स्ट डेट बोलें सर, शुरू कर। 25 दिसंबर। ये जो मैंने डिवाइड किया था 0.2 से ही क्लियर हो गया सर, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, इसमें तो नहीं इशू जी सर। जी नेक्स्ट डेट सर, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कब होनी पहली? 1 जुलाई। एरियर्स में ना, तो एनुअली इन एरियर्स अगर 1 जुलाई 17 पे एग्रीमेंट है तो नेक्स्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या बने? प्लीज यार डेट ही बता सकते हो? नहीं, एरियर्स अगर है तो फिर ये मंथ ईयर पीरियड एंड है, और अगर एडवांस ऑफ द पीरियड है फिर 1 जुलाई, तो 30 जून 18। 30 जून 18 जो डेट है वो हमारे फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में नहीं आ रही, तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फिर और तो कोई एंट्री नहीं मिलती शायद। इस डेट पे क्यों रुक रहे हैं सर? नहीं, ट्रांसलेशन से पहले भी पड़ा, ये जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है ये जरा सही भी सही सही बोल सकते हैं। 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो तो इनकम बन जाएगा ना, तो लिखे चला डेट 31 दिसंबर 17। इंस्टॉलमेंट की रिसीविंग डेट है 30 जून 18 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, लेकिन जो 6 महीने हमारे पीरियड में गुजर जाएंगे उसका इंटरेस्ट अक्रू होना चाहिए ना सर। वो इंटरेस्ट कितना है टेबल बना दो। 2 सालों की वर्किंग से स्पेस रखिएगा, खुला खुला रखो। इंटरेस्ट क्योंकि रिसीव होना है, इसके फाइनेंस इनकम लिख रहा हूँ, फाइनेंस इनकम एलोकेशन टेबल। इंटरेस्ट इनकम बनना है, एक्सपेंस बनना है। इस करेंसी में ये बनता है टेबल, फाइनल कर लीजिएगा सर, बस यहाँ पे बात बस जो होना था वो रिवाइज ही होना। फॉरेन करेंसी में या लोकल करेंसी में? इनिशियली फॉरेन करेंसी में आप ये टेबल बना रहे हैं क्योंकि अपने इंस्टॉलमेंट से फॉरेन करेंसी में ही पे या रिसीव करनी है, बाद में डेफिनेटली इसको कम फॉर करना पड़ेगा रुपीज में कन्वर्ट करके। स्टार्ट लें सर। ये ऑनलाइन स्टोर से शुरू कर दी, स्टार्टिंग डेट है सर 1 जुलाई 17। स्टार्टिंग बैलेंस 20,000 पर करेंसी के फलित मतलब फॉरेन करेंसी AUS ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। बस उतना ही करनी बनाए जितनी रिक्वायरमेंट के हवाले से जरूरत है। क्या ख्याल है कितना जरूरत रहेगी? देखें जरा डेट से। सेवनटीन और एटीन की एंट्रीज करनी है, एक और एक्स्ट्रा बस साल इसलिए बना लें कि अगर करंट नॉन करंट पोर्शन का डिसीजन लेना। ठीक है सर, लेकिन यहाँ जो आप एंट्रीज लिखेंगे, सॉरी अब डेट्स लिखेंगे, ये रेंट्स की लिखेंगे, एग्रीमेंट की लिखेंगे, इन चीजों को फाइनल रखिएगा सर। अब जो हो गई तो पहली डेट बता दें, इसके बाद 30 जून 18
रेट 4.24% करें वर्किंग, अपना जेन जरा अप्लाई करें कहां तक होना चाहिए वर्किंग। पहले कर ले कंप्लीट कर, फोर पॉइंट टू फोर। टेबल बनाते हुए अपने एग्रीमेंट की डेट्स लिखनी है, अकाउंटिंग ईयर आप तब कंसिडर करेंगे जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज करें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आ जाएगा 848, प्रिंसिपल बन जाएगा 2152, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 17848। नेक्स्ट डेट आ जाएगी 30 जून 19, डबल 243753 15605। मेरा तो ख्याल इससे आगे की जरूरत नहीं है, ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 18, तो 19 वाली इंस्टॉलमेंट है वही आनी ना, करंट नॉन करंट वही करंट में आनी 30 जून 20, तो आगे चली जाएगी बात। प्लीज ईयर एंड कंसीडर करें सर, 31 दिसंबर 17 और 18 काफी है। और करें जी बेटा 757 सॉरी। चले आए वर्किंग करें, वापिस आए टेबल छोड़ो। ये सारी वर्किंग फाइनल करवानी है सर। 848 इंटरेस्ट है 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 18 तक का, सारा का सारा आपके ईयर में आ रहा है, कितने मंथ्स का आ रहा है। वर्किंग स्टार्ट कर दें, 848 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कंसंट्रेट फुल कीजिएगा जरा, कैंडी बहस खत्म कर रहे, बस अब रेपिटेशन ही है। 424 बन जाएगा फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट इनकम का बैलेंस, इसे कन्वर्ट करना है लोकल करेंसी ऑफ रुपीस में, क्या ढूंढना चाहिए हमें। एवरी डेट किस टाइम पीरियड का ढूंढना चाहिए ये भी सोचा था, इन्हीं 6 मंथ्स का ढूंढना चाहिए, पूरे साल का 6 मंथ्स का, अब 6 मंथ ही होना चाहिए, किस 6 मंथ का, 1 जुलाई 17 से लेकर 31 दिसंबर 17 तक का एवरेज रेट है 1 against 0.19। मिल गया सर, करें फाइनल कैसे करें, कर ले डिवाइडेड बाय 0.19, फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी में आ रहा है, अब डेफिनेट बेटा इनटू वन करके 0.19 से ही आंसर आ जाएगा इनटू वन। चले ठीक है, फाइनल आंसर सर 2232। एनी कंफ्यूज इन द वर्किंग सर, जरा कल वाली एंट्रीज निकालें जो फाइनल डिसाइड हुई थी, जो कल क्वेश्चन कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट उलट हुआ हुआ, लोन लिया हुआ था वहां, यहाँ लोन दिया हुआ है, लेकिन बात शायद वही है, सिर्फ रिवर्स सोचना। तो जरा कैंडी ढूंढेगा जरा फीस, पहले साल की 2014 की एंट्रीज कल क्या कर रहा था, जब लोन लिया था तो एंट्री क्या, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रू किया था ईयर एंड पे, तो फिर एंट्री बनी थी आपकी एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, उसको जरा उलट करें, जरा लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट लिखें। किस रेट पे, एवरेज रेट पे, बस वर्किंग हो गई है, दैट थिंग रिमेन सेम।
22232। जी सर, ये सेम डेट दोबारा लिखा। अब ये जो पैसे हैं ये तो रिसीव होने हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, वो भी फर्दर 6 मंथ्स के बाद, 31 दिसंबर 17 पर जब आपका ईयर एंड आ जाएगा, तो अब आपको ये जो लोन रिसीवेबल है इसको थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन थोड़ा संजीदगी की तरफ चली गई है, बहुत गौर से थोड़ा चीजें देखिएगा। फर्स्ट एंट्री देखें दोबारा, फॉरेन करेंसी में बताएं फर्स्ट एंट्री में कितने डॉलर से एंट्री हुई। ये सिर्फ प्रिंसिपल था। सेकेंड एंट्री जब हमने की है लोन रिसीवेबल में डेबिट करके, तो अब उसमें इंटरेस्ट भी 4 to 4 का रिसीवेबल ऐड हो गया हुआ है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मींस अब प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी है, और डेफिनेटली फिर इनके ब्रेकअप्स भी होने हैं। प्रिंसिपल टेबल देखा जरा, प्रिंसिपल ने करंट नॉन करंट पोर्शन में डिवाइड होना होना सर, और जो इंटरेस्ट का रिसीवेबल है वो भी करंट एसेट्स में अलग आना, चाहे करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है लाइबिलिटीज में। तो प्रिंसिपल एक करंट एसेट नॉन करंट एसेट में डिवाइड होना, और जो इंटरेस्ट का रिसीवेबल है वो भी करंट एसेट्स में अलग नजर आना चाहिए। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल करंट एसेट इस केस में नेक्स्ट 12 मंथ्स में मिल जाना। तो इसमें प्रिंसिपल के साथ है तब इंटरेस्ट भी रिसीवेबल हुआ हुआ, तो आए जरा स्टेप बाई सुने सब कुछ कैसे होना चाहिए। पहला स्टेप वही करें जिस तरह हमने कल वर्किंग की थी, लोन रिसीवेबल ये स्पेस छोड़ दो एंट्री के लिए, 4-5 लाइनें रख लें, खुला खुला जरा कर लें। लोन रिसीवेबल एज पर बुक्स, यहां तक जो हमने दो एंट्रीज की हैं उनकी बेस पे अब हमारा लोन रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज हो कितना गया। कंसंट्रेट करें, फिगर्स लिखा 1 लाख, नहीं अलग अलग देखें, 1 लाख से डेबिट किया, सॉरी डेबिट किया सर, प्लस फर्दर कितना डेबिट किया, 22232। तो यहां तक टोटल फिगर होगी हमारी 102232। डेफिनेटली सारे ब्रेकअप्स होने जिस तरीके से आपके सेन में आ रहा, लेकिन प्लीज साथ साथ रहिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज समझे आप, नेक्स्ट इसे कंपेयर किससे कर रहा था, फिर मैं लोन रिसीवेबल शुड बी से मेरा मीनिंग क्या था, शुड बी किस डेट की बात हो रही है, ईयर एंड पे बात हो रही है ना, लोन सॉरी रिसीवेबल अब इसका तरीका ये होता है कि पहले आपने फॉरेन करेंसी में यहां तक देखना है कि कितना रिसीवेबल या पेबल हो गया हुआ। तो फॉरेन करेंसी टर्म्स में बताएं कितनी फिगर बनती है, 20,000 प्रिंसिपल रिसीवेबल हो गया हुआ और प्लस 4 to 4 इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया हुआ इस वक्त इन फिगर्स के अंदर, ठीक है सर। और ठीक है सर, ये बड़ा बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझो सही क्या करी जा रहा है। व्हाट इज 20,000 एंड 4 to 4 भी प्लस किया मैंने, वो भी इसी के अंदर रिसीवेबल बना हुआ इस वक्त। अब इसको मैंने ईयर एंड पे एज ऑन फिगर के एंगल से कैलकुलेट करना, तो व्हाट इज द ईयर एंड 31 दिसंबर 17, इस दिन का कौन सा रेट ढूंढो एज ऑन, कौन सा रेट ढूंढो, ढूंढे स्पॉट रेट 0.17, वन अगेंस्ट 0.17 डॉलर्स। क्या करूं अभी सर, क्या करूं सर जी, क्या करूं, डिवाइडेड बाय 0.17, प्लीज पूरा करवाएं, मल्टीप्लाई बाय अगर करना पड़ा 1, तो इस तरह करें, एक मिनट आंसर बताइए इसका, मेरा ख्याल 20 4 to 4 डिवाइड बाय 0.17 इंटू 1, आंसर बताइए 120141। क्या हमारा रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहां से कहां लेके जाना है, 102232 से 120142 तक लेके जाना है, डिफरेंस लें।
डिफरेंस नहीं है सर, रिसीवेबल है या पेबल है, बढ़ा या कम हो रहा है, डबल एंट्री सोचा है, नॉन रिसीवेबल डेबिट, फॉरेक्स गेन क्रेडिट। कितने से एंट्री? 17 17909। प्लीज बात को पहले समझने की कोशिश करें यार, आप लोग ऐसे देख के लिखे जा रहे हैं और मेजोरिटी तो ये देख रही है कि क्या मैच ड्रॉ की तरफ तो नहीं जा रहा। 17909909 लिखे नहीं लिखे। तो जी वेलकम टू क्लास, शुरू करें। नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि बैग खोलना। ये बेटा 4 to 4 इसलिए इसमें प्लस हुआ है क्योंकि आपने जब एंट्री की है तो 4 to 4 रिसीवेबल में प्लस हुआ बनाया, 4 to 4 की बेस पे जो इनकम है वो प्लस हुई भी है। ठीक है अब्दुल्ला, 4 to 4 वाली जो इनकम अक्रूअल बेसिस पे आपने रिकॉर्ड की है वो रिसीवेबल में प्लस कर ली है आपने, तो जो 102232 है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आ रहे हैं, देयरफॉर फिर उसका जो कंपैरिजन है एज ऑन वो भी फिर दोनों का एंगल्स होना चाहिए। ठीक है, हम कल वर्किंग कर रहे थे उसमें जो इंटरेस्ट था वो जब ईयर एंड पे अक्रू हो रहा था तो हमारा ईयर भी उसी वक्त अकाउंटिंग ईयर भी उसी वक्त एंड हो रहा था, तो वो जैसे ही इंटरेस्ट अक्रू हो रहा था फिर रिसीव हो रहा था, सॉरी जैसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रू हो रहा था पे हो रहा था। यहाँ जो इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रू होकर रिसीवेबल बना फिलहाल अभी रिसीव नहीं हुआ, तो ये भी रिसीवेबल में शामिल हो गया है। हाँ डेफिनेटली जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में फाइनली इन फिगर्स को प्रेजेंट करेंगे तो करंट पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल, नॉन करंट पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिसीवेबल ये सब कुछ अलग अलग नजर आना चाहिए, तो मैं वो मैं वर्किंग करता हूँ। ये आप लोग क्लियर है? एक छोटा सा काम जरा कीजिएगा, ये 3 एंट्रीज जो आपने लिखी हैं इसमें जरा लोन वाली एंट्रीज देख के, लोन डेबिट क्रेडिट देख के जरा इन सब फिगर्स को इकट्ठा करना, मतलब ये जो हो रहा है ये जो सब कुछ हो रहा है इसका मीनिंग क्या है। लोन रिसीवेबल आपने पहले डेबिट किया था 1 लाख से, और सही किया था सर, फिर फर्दर आपने डेबिट किया 2232 से, फिर फर्दर ही डेबिट इसलिए हो रहा क्योंकि गेन है, तो जब डेबिट और हुआ तो फाइनली आपका एक आंसर आ रहा है। ये क्या है? नहीं मतलब ये क्या हो गया फाइनली? फाइनली इन सारी एंट्रीज का मतलब ये है कि लोन जितने पे एंड में होना चाहिए उतने पे आ गए। ठीक है, तो अब हमारे लेजर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 120142 जो नेक्स्ट ईयर पर ओपनिंग पर है। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ जरा नेक्स्ट जरा प्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के खड़े लिखे प्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन आईडीएस का होना चाहिए। 31 दिसंबर एज ऑन 17। अभी ये भी मैं कोई एक्सट्रैक्ट्स नहीं बना रहा, आपको फिगर समझानी है बस। मैं आप मुझे ये बताएंगे व्हाट इज द टोटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल? अब इससे देख के करनी बन सके ना, लिखे के बस इसको फाइनल करें, नेक्स्ट ईयर फिर आप खुद कीजिएगा। 120 142 हमारा क्लोजिंग टोटल रिसीवेबल है। ठीक है, इसमें अब क्या क्या है ये दोबारा अपनी वो वर्किंग लास्ट वाली देखें, लास्ट एंट्री के नीचे जो वर्किंग हुई है, क्या इसमें 20,000 का रिसीवेबल है और इसमें इंटरेस्ट वाला भी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल शामिल है? अपने टेबल में जाएगा, 20,000
ना क्लोजिंग रिसीवेबल, पहले प्रिंसिपल फाइनल करेगा। 20,000 क्लोजिंग रिसीवेबल, 31 दिसंबर 17 डेट है, कोई इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई तो ये 20,000 रिसीवेबल है। इसका जरा करंट और नॉन करंट पोर्शन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी दिखा दो। 2152 एंड 17848। तो प्रिंसिपल को करंट और नॉन करंट पोर्शन में फॉरेन करेंसी में डिवाइड करें तो आपकी रिस्पेक्टिव फिगर्स टेबल में देखिए सबने। 2152 एंड 17848 है, ठीक है। और फाइनली क्या 424 का इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है। तब इन सब फिगर्स ने एज ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना, क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी एज ऑन होता है? क्या इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड है? अब ये फाइनली रिसीवेबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हो उसने भी करंट एसेट्स में आना, करंट पोर्शन ऑफ रिसीवेबल हो वो भी करंट एसेट्स में आना, और जो नॉन करंट ऑफ एसेट में फिगर आनी है दैट इज लॉन्ग टर्म रिसीवेबल, वो फिर फिगर अलग है। इन सब को कैसे मैं एज ऑन में कन्वर्ट करूं अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल करना हो, क्या फिर वही स्पॉट रेट लूंगा? सर जी स्पॉट रेट ही लूंगा नहीं, स्पॉट रेट क्या है 0.17। तो इन सबको अगर आप 0.17 से डिवाइड कर देंगे इंटू 1 तो कौन सी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी? एक मिनट आंसर बताइए। 1, 2, 6, 5, 9 नेक्स्ट वन नहीं है 104, 988 आप शायद वो इंटरेस्ट रिसीवेबल बता रहे 2494 इनके अब रिस्पेक्टिव नाम जरा बताएं जरा ये क्या फिगर्स हैं? ये करंट पोर्शन ऑफ रिसीवेबल है, नॉन करंट पोर्शन है, नॉन करंट पोर्शन ऑफ रिसीवेबल एंड फाइनली इंटरेस्ट। इन तीनों का सम करें, इन तीनों का सम करें, अल्लाह करे कुछ आंसर पॉइंट्स में ना जरूर हो गए। ठीक है ठीक है। अब बेटा ये जो मैंने वर्किंग आपके सामने आप आखिरी ये की है, क्या ये मैंने वर्किंग इसकी की कि मैंने फिर कोई एंट्री करनी है? एंट्रीज करके हमारी बुक्स में टोटल 120142 हो गया है, बस उसकी जो प्रेजेंटेशन है करंट और नॉन करंट में और किन किन हेडिंग्स में वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। ये शायद मैंने वही वर्किंग की है, दोबारा कैंडी जरा ढूंढेगा जरा ये वर्किंग। कल भी हम कर रहे थे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला क्वेश्चन हो रहा था, क्या वहां भी मैं फाइनली आपको कहीं दिखा रहा था कि इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट तो नहीं हुआ, वहां इंटरेस्ट क्यों नहीं था? वैसे उसी साल पे हो रहा था लेकिन वहां प्रिंसिपल करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज पे जिस तरह के हम डिसीजन ले रहे थे हर साल का, जरा ढूंढे कर दिया करंट पोर्शन नॉन करंट पोर्शन को वर्किंग कर रहे थे सर, लेकिन वहां और यहाँ में बस फर्क ये है कि वहां सिर्फ प्रिंसिपल पेएबल रह गया था, यहाँ प्रिंसिपल रिसीवेबल के साथ साथ इंटरेस्ट रिसीवेबल भी। तो वहां भी देख रहे हैं वही फिगर्स थी जिनका मैंने ब्रेकअप कर रखे आपके सामने, एक फिगर्स देखेंगे कंप्लीट करें। स्टिल मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो लिख भी लें और बता दें। जर्नलिस्ट स्क्वायर प्लीज। बेटा ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल एज ऑन है, इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो फॉर द पीरियड होती है। जरा कंडी इसको भी जरा सही तरह सोच लो, जरा इंटरेस्ट रिसीवेबल फाइनली एज ऑन के एंगल से मैयर हो जाएगा और जो इंटरेस्ट इनकम है वो जरा देखें, इंटरेस्ट इनकम का मैंने कोई नहीं डीमेजर किया, इंटरेस्ट इनकम ही इंटरेस्ट इनकम स्पॉट रेट सॉरी इंटरेस्ट इनकम एवरी रेट पे, लेकिन इंटरेस्ट रिसीवेबल को फाइनली एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आने की वजह से एज ऑन पे दोबारा कन्वर्ट होना चाहिए।
ये रिसीवेबल और पेएबल किसी डेट पे होते हैं या किसी पीरियड के होते हैं? सोचने एक मिनट सोचने, तसल्ली से। सेल, सेल एज ऑन होती है, ये जो इनकम इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स हैं इनके ऊपर हेडिंग क्या होती है? फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द मंथ एंडेड, फॉर द क्वार्टर एंडेड, ये फॉर द ईयर की फिगर होती है सर, इनकम एंड एक्सपेंसेस। और सारे रिसीवेबल सारे पेएबल कहाँ होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हेडिंग लिखी होती है? एज ऑन, एज ऑन। क्या ये आखिरी दिन के रिसीवेबल हैं? कितना रिसीवेबल रह गया लास्ट डे ऑफ द ईयर पे? टोटल 1 to 0, 1 for 2, उसमें नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितना रिसीव होना है, आफ्टर 12 मंथ्स में कितना रिसीव होना है, उसमें इंटरेस्ट कितना रिसीव होना है, उसका ब्रेकअप ब्रेकअप एक होगा। एनी अदर कंफ्यूजन क्लियर? ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में लिखेंगे करंट पोर्शन ऑफ रिसीवेबल 1 to 65 मंथ, नॉन करंट एसेट्स में जाके लिखेंगे नॉन करंट रिसीवेबल 104988 और इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से लिखेंगे 2494। क्या क्या कमाल है सर, क्या ये एंट्रीज को डॉक्टर देख रहा है? ये एंट्रीज कौन देख रहा है? आप अकाउंटेंट्स, आप अकाउंटेंट्स अपने लेजर्स में वर्किंग कर रहे हैं। आपका लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है 120142, लेकिन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के सामने रखेंगे तो उन्हें करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में फिगर्स को डिवाइड करके दिखाना होता है और therefore आप डिवाइड करके दिखा देंगे। ये जो आपने इस वक्त क्वेश्चन उठाया ये मुझे खतरनाक तरफ जाता महसूस हो रहा है। ये हमने अभी तक जब भी कभी करंट करंट एक सेकंड, ये एसेट्स को छोड़ दें, लोन की तरफ आ जाए। कभी आपने लोन का करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन बनाया? इवन लीज, सॉरी सेम बनाया तो लीज लाइबिलिटी का भी करंट नॉन करंट बनाते हैं वो सर जी, सिर्फ वर्किंग है क्या? उसकी कभी एंट्री की हमने? कोई इसकी डबल एंट्री नहीं हमने की। लोन के लेजर में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है, वो क्लोजिंग बैलेंस लेकिन प्रेजेंट होते हुए दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ एक तीसरा हिस्सा भी बन गया इसका, एक इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब मींस टू से व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, सोच के बताएं क्लाइंट। वो ठीक है लेजर में, ये सिर्फ क्या हुआ, ये ब्रेकअप। ब्रेकअप किस पर्पज के लिए हुआ? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फिगर सिखाने के लिए, राइट? तो मींस उसे नेक्स्ट ईयर फिर जब हम एंट्री शुरू करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 120142, उसकी बेस पे पहले हम एंड तक पहुंच जाएंगे सारी एंट्रीज करके, उस बैलेंस को एज ऑन में कन्वर्ट कर लेंगे, फाइनली उस एज ऑन बैलेंस को फिर सेपरेट कर देंगे। फाइनल जरा कर ही लेते हैं। कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया सर? ईयर एंडेड, एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर हो गए, जो इंटरेस्ट वाली बात हो रही थी। इब्राहिम सब खैर है कि एक दिन आते हैं क्लास में हमें चेक करने के लिए, बड़ा प्रकार हो जाता है जी। आप लोग स्टार्ट नहीं थी कंडी, फर्स्ट आप ही बताए और ट्राई टू, बस एक प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ है, इसे अपने ज़हन में कुछ सेट करने की कोशिश करेंगे। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, थर्टीएथ जून 18, सॉरी 31st December 18 है सर, पहली डेट बाद की बात है सर, कमाल हो और सर ओके सर, मैंने कब कहा नहीं। 31st December 18, ईयर एंड 31st December है सर। वंस अगेन अगर आपने कंसंट्रेट किया तो ये बात खत्म होने की तरफ जा रही है, और अगर आपने कंसंट्रेट ना किया तो ऐसे ही महसूस होगा कि बात कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। जी आराम से क्वेश्चन देखें, टेबल देखें, मुझे कोई सोच के डेट बताएं। 30th June 2018 पे आपने मुझे क्यों रोका है? इंस्टॉलमेंट रिसीव होनी है, लेकिन एक बात जो मिस कर दी है आपने, ये कह के पहले 6 महीनों का फर्दर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके फिर रिसीव करेंगे। दोबारा जाएं वापस 2014-15 वाले सवाल पे कल जो कर रहे थे, जिस डेट पे इंटरेस्ट रिसीव हो भी रहा हो या पे हो रहा हो
उस डेट पे पहले आप टोटल इंटरेस्ट को अक्रू कर रहे थे कल मेरे साथ, हम एक शॉर्टकट मेथड में डिस्कस कर रहे थे, तो वहां जरा एंट्री बताएं 31 December 2014 पे जब इंटरेस्ट आपने अक्रू किए, तब इस केस में क्या हुआ, 6 महीने का पिछले पीरियड में हो गया, लेकिन रिमेनिंग 6 months का पहले 30 June पे रिकॉर्ड हो जाएगा और डेफिनेटली फिर सारा का सारा इकट्ठा रिसीव हो जाएगा। तो जरा हिम्मत करें, पहली एंट्री लिखे लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। प्रोसीजर शुरू करें, 4 to 4 ना कांडी लिखे, दोबारा टेबल में जाए 848 ही ढूंढे और रिमेनिंग 6/12 सॉल्व करके लिखो। कौन से 6 महीने, अभी कौन से 6 महीने हो गया सर? 1 January 2018 टू 30 June 2018, विच मींस अब आपने किस डेट का, सॉरी किस टाइम पीरियड का एवरी डेट ढूंढना है। आ जाए सवाल देख, 1 January 2018 टू 30 June 2018 इन 6 months का इंटरेस्ट अक्रू अब होगा किस एवरी डेट से, 0.21 करें सॉल्व और एंट्री पूरी करें। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल करें अपनी एंट्री। फोर टू फोर डिवाइडेड बाय 0.21 इज इक्वल टू 2019। ओके सर, नेक्स्ट डेट सर, सेम डेट दोबारा क्यों, ट्रांसलेशन करनी है, ट्रांसलेशन कब होती है, एक ही दफा ईयर एंड पे होती है, अभी रसीद डेट है, रसीद रिकॉर्ड करने से पहले दोबारा कल वाली ट्रांजेक्शन देखें 31 December 2014 और 2015 पे जब पेमेंट हुई थी तो आपने क्या एंट्री की और किस रेट पे की, क्या एंट्री की, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट क्यों नहीं डेबिट किया, वो डेबिट हो गया हुआ था, उसी लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट को उलट करके एंट्री बोलें, बैंक डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। इन एंट्रीज का ऐसा करने का मकसद ये था कि हर डेट पे ये ड्यूरिंग द ईयर हमें एक्सचेंज गेन लॉसेस की वर्किंग ना करनी पड़े। जी ये एंट्री अब किस रेट पे होगी, स्पॉट रेट किस डेट का ढूंढेंगे आप, स्पॉट रेट किस डेट का ढूंढेंगे, अमाउंट भी जरा कैंडी बता दें फॉरेन करेंसी में, $3,000 स्पॉट रेट कैंडी स्पॉट रेट ऑफ 30 June 2018 फाइनल करें अपनी एंट्री। क्या अमाउंट बनती है सर, 13636 की एंट्री बन गई, लोन लोन डेबिट या बैंक डेबिट, बैंक डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं, 636 is it? Yes, sir. इस तरह ने ये दो एंट्रीज की, इनमें से इनके साथ छोटा सा जरा ये लिखना कि आपने किन रेट्स को यूज किए, 30 June 2018 पे इंटरेस्ट अक्रू किस रेट पे हुआ,
एवरी डेट और जो दूसरी एंट्री हुई इस पे स्पॉटेड एक्सपेंस और इनकम एवरी डेट पे निशन और पेमेंट स्पॉटेड जी नेक्स्ट डेट से सही वाइंड अप करवाएं 31 दिसंबर 18 खुद से करें क्या करें 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 टेबल देखें और डिसीजन लें फाइनल फिगर ठीक ठीक जब कौन सा इंटरेस्ट सबसे रिलेवेंट हुआ 757 इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी लेकिन ये 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19 तक का है क्या करेंगे सर पहले 6 मंथ्स का बनाएं 757 into 6/12 379 राउंड ऑफ कर रहे ठीक है सर कर 379 डिवाइडेड बाय सर जॉन स्टूडेंट्स को कैंडली बताएं रेट कौन सा लिया किस टाइम पीरियड का एवरेज जिस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है उसी टाइम पीरियड का एवरेज लेंगे कौन सा एवरेज पॉइंट 22 डिवाइड बाय पॉइंट 22 इज इक्वल टू 1720 ये 23 सर 17 तो आ रहा बेटा बता दें प्लीज यार डबल एंट्री बोले सर लॉन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम अगर आप 7.85 ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा प्लीज लेकिन राउंड ऑफ करके लिखे मेरे ख्याल अगर पॉइंट्स में है तो मेरे ख्याल फाइनल डिसीजन ले लिया करेंगे एक राउंडिंग करके लिख के काम फिर मैं जब अगली वर्किंग कर रहा हूँ तो डॉलर में इस सुपर कंप्यूटर से वर्किंग करते हैं ताकि पॉइंट्स में फर्क रह ना जाएगा डॉलर्स में है तो डॉलर्स में वैसे डॉलर्स में कहाँ है आप रुपीज में डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं 3 रुपये मेरे साथ मैजिक कर दीजिएगा बाद में फिर आपने कहना 3 रुपए का फर्क है जा रहा है एनी कंफ्यूजन सर इसको छोड़ दो मैं इसकी ये बहस खत्म नहीं हो सकती ये सबको पता चल गया बेटा लास्ट स्टेप आप क्या करें ट्रांसलेशन करने का तरीका आपने बताना और अब ये प्लीज सही वाइंड अप करना कर ये लोन एज पर बुक्स की जरा वर्किंग करके आंसर बताएं नहीं फाइनल 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 फिगर बताएं लोन एज पर बुक्स आपका क्या आ रहा है लोन रिसीवेबल एज पर बुक्स करें करें अपनी अपनी वर्किंग कर लो ओपनिंग बैलेंस शुरू करना और जो डेबिट क्रेडिट हुई ट्रांजेक्शन उनको गौर से देखें
फाइनल आंसर बताना। बड़ा अब्दुल्ला गेम ऑन है, ओपनिंग से शुरू करके क्लोजिंग तक आना, ये फर्स्ट ईयर नहीं है, सेकंड ईयर है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 1-2-0, 4-2-1, 1-4-2, 1-4-2 तक हम आ गए थे। देन उसके बाद आपने डबल एंट्रीज होनी है जहां लोन रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर, +2019 -13636 क्रेडिट हुआ है, +1723। प्लीज देखें और से प्लस माइनस सही करें, +2019 -13636 माइनस की वजह पता, रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है और लास्ट एंट्री में 1723 में फिर प्लस हो रहा है, डेबिट और रिसीवेबल। जॉन एसमेंट आपका क्या आंसर आ रहा है? 1-0-2-4-8। ये पहला 1-2-0-1-4-2 कहां से आ रहा है? वो तो पिछले साल का था, रिसीवर्स की बात हो रही बेटा, क्लोजिंग ओपनिंग बना। अब इसे किससे कंपेयर करना, स्पीड अप हो जाए, लोन रिसीवेबल शुड बी की वर्किंग करते, लोन रिसीवेबल शुड बी की वर्किंग करें कैसे होनी चाहिए, एक मिनट लगा करें 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 अपना अपना करें, खामोशी से प्लीज करें, जिन्हें कर ले एक मिनट मौका दे माफी। जी अफजल साहब मेरा ख्याल है टेबल नहीं सही पढ़ रहे, अफजल साहब मोहम्मद अफजल साहब टेबल सही नहीं पढ़ रहे, टेबल सही नहीं पढ़ रहे। ये मैंने लास्ट ईयर कैसे किया था उसको जरा देख के अप्लाई करें ना एक मिनट। हाँ ठीक है लेकिन पहले सबसे पहले तो क्लोजिंग चाहिए, तो इस साल भी क्लोजिंग 20,000 ही है। फॉरेन करेंसी क्लोजिंग रिसीवेबल क्या इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी और कितना रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, पहले वो पूरा करें 1-7। अच्छा इसको मिक्सअप करना है डेफिनेटली, इसमें करंट नॉन करंट पोर्शन बना और इकलौता बैलेंस वाइंड में हो जाएगी, तो 1-7-8-4-8 ये तो हो गया प्रिंसिपल रिसीवेबल, क्या बस यही रिसीवेबल है? तो 1-7-8-4-8 +3-7-9 ये टोटल रिसीवेबल है हमारा ईयर एंड पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ रिमेनिंग 6 मंथ्स। कर ले मैं ढूंढ रहा हूं, ठीक है सर, +3-7-9 टोटल की जगह रखें 1-8-2-2-7 डिवाइडेड बाय, अब क्या ढूंढना है, ढूंढना क्या स्पॉट रेट क्यों ढूंढना है, नहीं मतलब स्पॉट रेट क्यों ढूंढना, आखिरी दिन वर्किंग हो रही, अब एज ऑन वर्किंग हो रही, लोन फाइनली ईयर एंड पे होना कितना चाहिए, व्हाट इज द ईयर एंड 31st December 2018, तो 0.24 मोबाइल पे चार्जिंग को केबल है। डिफरेंस ले एंट्री करें, वो बनता गेन लॉस, बनता है सर, डिसीजन ले 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 डिसीजन कितना बनता है, ठीक ठाक बन रहा, बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साहब, स्पॉट रेट बताइएगा 0.24 था,
आंसर बताइएगा सर। 7 5 9 4 6। ये लोन रिसीवेबल का पूछो, लोन रिसीवेबल शुड बी का डिफरेंस नहीं सर। और इसको गौर से देखें, इंटरप्रेट करें, कोई अपने आपको कोई सेंटेंस सुनाए। रिसीवेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है? रिसीवेबल बढ़ा है कम हो रहा है? कैसे पता चली जा रहा है? कमाल है यार, कैसे पता चली जा रहा है? कैसे पता चल रहा है? हमारी बुक्स के मुताबिक 110248 आ रहा है, होना क्या चाहिए हमारी बुक्स में? तो रिसीवेबल कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा पर रुपीज 3434302। डेफिनेटली लॉस है सर। एनी कंफ्यूजन सर? अब फाइनल एक ब्रेकअप करें जो लास्ट ईयर मैंने किया था, एक लास्ट ब्रेकअप करें इंडिविजुअली। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंटेशन किस फिगर की किन हिस्सों में होगी? इंडिविजुअली प्लीज करें 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 सर। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। सारा डेटा आपके सामने, जो जो रेट्स वगैरह आपको चाहिए टेबल, बाकी डेफिनेटली देखना आपको। किस अमाउंट ने ब्रेक होना है ये पता? किसने? 7 5 9 4 6। Yes, 9 3 4 6 9 3 4 6 6 5 0 2 1 1 5 7 9। Name these figures. Current portion of receivable, non-current portion of receivable, interest.
कहीं पेज नंबर 326 निकालेगी। और सर अगर आप उसको कर दिया करेंगे तो पेपर में आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है आपको, फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल का एक्सचेंज गेन लॉस अलग निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल रिसीवेबल का अलग निकालना पड़ेगा। हम उसी टेंशन से बचने के लिए इकट्ठी वर्किंग करते हैं। असूलन एंट्रीज वो होनी चाहिए थी जो हमने पहली पहल क्लास के स्टार्ट में शायद की थी, लेकिन वो असूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अमेंड हो गया, उस पर कोई इश्यू नहीं है। हमें अलहदा अलहदा जो एक्सचेंज गेन लॉसेस की वर्किंग करनी पड़ेगी उसको अवॉइड करने के लिए काम हो रहा है, यकीन माने सिर्फ वो मसला। एग्जाम हॉल से ईमेल आए, लिमिटेड टाइम होता है, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा, वरना इसको ठीक ठाक इंजॉय किया जा सकता है। वो सही इंजॉयमेंट वही थी, वैसे मजा आ रहा था, इसे एवरेज पे होना चाहिए, इसे उस पर होना चाहिए, असूल वही था, लेकिन दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, टू मच टाइम कंज्यूमिंग। और अलग अलग हिसाब कि लोन किस रेट पे लिया था, अब किस रेट पे हो रहा है, तो वो काफी ज्यादा टाइम उस पर लग जाता है। यहाँ से चार बस शायद प्रिंसिपल बन गए। नंबर वन, जब आप लोन लें या दें, स्पॉट रेट, इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस, एवरी रेट पेमेंट, स्पॉट रेट, और ईयर एंड पे आके भैया तीन काम करते रहे पूरा साल, और ईयर एंड पे आके ये काम करते, इसलिए टाइम सेविंग है बस। वरना डेफिनेटली लॉजिकल वो है, लॉजिकल वो है, अलग अलग वर्किंग होनी चाहिए, लेकिन कोशिश यही हमने की कि वो सारी लॉजिक अपनी जगह रहे, लेकिन जरा कहाँ टाइम भी सेव हो रहा है। मतलब फाइनली इंटरेस्ट रिसीवेबल अब वो यही है, अगर आपने अलग एंट्री की होती तो आपने आपको, लेकिन उसमें भी गेन लॉस निकालना पड़ना, वो एंट्री पहले होनी थी स्पॉट रेट एवरी रेट पे, फिर उसको करना पड़ना था अलग, फिर उसका गेन लॉस इस सब का मिक्स होकर आ जाना। अगर आपने किया भी होगा तो आंसर सेम होगा, ट्राई किया वैसे सोचा, मेरा ख्याल है करना चाहें तो करके देख लें, आंसर शुड रिमेन सेम, तो सिर्फ रेट से ऊपर नीचे होगा। ये कोई और आवाज़ आ रही थी जी, सर ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल एज ऑन 31st दिसंबर 2018 का रिसीवेबल, ये किस टाइम पीरियड का रिसीवेबल जो गुजर गया हो, ये उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है जो गुजर गया है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो अगर मिला नहीं है तो एज ऑन पे आ गए, ठीक है। पेज नंबर 326 पे आपने इकट्ठे होना, मैं सब ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को बुक्स मिली, कुछ बुक्स मिल गई, ऐसे में कुछ लोग हैं जिन्होंने जरा लेट ज्वाइन किया, उधर क्लासेस में लेट एडमिशन लिया, तो ख्याल है एक आध दिन में आपको भी डिस्पैच हो जाएंगे, तो आप मेरे साथ आ गए, कुछ को हो गए कुछ को नहीं हो गए, तो ऐसे परेशान ना हो जाएगा, मेरा ख्याल है कल शायद आपको भी डिस्पैच हो जाएंगे जो रह गए, हो सकता नहीं मेरे साथ पढ़ा करें, आप मेरे साथ ही पढ़ लिया करें, ये वो बेटा जरा MFA की भी इंशाल्लाह साथ ही आ जाएगी। ये 326 पेज पे आप हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं सर जी, बेटा माजरा चाहता हूँ, आपने अगर एडमिशन पहले लिया था और आपको कुछ नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको भी बाकियों के साथ उठा रहा हूँ। दस एक बात आप जाने थे गुस्सा यार, मैंने तो पहले एडमिशन लिया था, 4 तारीख को लिया था मैंने, जी सर जी। अब यहाँ से इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली हो, सेमी एनुअल हो, मंथली हो, बैच खत्म होगी, अक्रू द इंटरेस्ट एट एवरी डेट एंड द रिकॉर्ड द पेमेंट ऑन स्पॉट रेट और एक्सचेंज गेन लॉस का डिसीजन एंड ऑफ द ईयर तक, तो इंशाल्लाह उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। आज एक क्वेश्चन एक और करें जरा, थोड़ा सा और जहन खोलें जरा। ऑन 1st January 2020 एन अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्स $1 million टू अ लोकल कंपनी in Pakistan Bilal Limited in return for a promise to pay fixed interest of 8% per year for first 2 years due at the end of each year of loan period, that is 31st December, and a payment of 1 million at the end of 2 years period. What is the amount of foreign currency loan? $1 million इंटरेस्ट कब पे होना है? एनुअली इन एरियस, पहले साल के एंड पे डेट बोले इंटरेस्ट, 31st December 2020 प्रिंसिपल भी उस दिन पे होना,
प्रिंसिपल शायद इकट्ठा पे होना 2 साल बाद, दूसरे साल का शायद इंटरेस्ट और दूसरे साल का के एंड पे शायद प्रिंसिपल पे शायद इकट्ठा पे होगा। At the inception of the loan means start of the loan, 8% is the market rate of similar 2-year fixed interest dollar denominated loans. So, 8% वही interest rate market rate, market interest rate. BL's functional currency किसे कहते हैं? Is Pak rupees. Exchange rate over the period of loan are as follows. Required generalities. Bismillah padhe. ये फर्स्ट रेलिवेंट डेट, सॉरी कंपनी नेम, सॉरी पाकिस्तान में हमने अकाउंटिंग करनी है, फंक्शनल करेंसी पाक रुपीस, बिलाल लिमिटेड। जनरल एंट्रीज दोनों सालों की करनी है, फर्स्ट ईयर हो गया, फॉर द ईयर एंडेड December 2020, 1 January 2020। ये बिल्कुल सही हो, लोन ले रहे हैं दे रहे हैं, डबल एंट्री सर, बल्कि सॉरी रुपीस, ये इसमें लिखा कर रहा है रुपीस, जो भी करेंसी है जिसमें वर्किंग कर, ऐसे फंसा लेना आप लोग ना मुझे 1000 में, ठीक है, जिसका 1000 में दिल कर रहा है मिलियंस में कर रहा करे, आप कौन सा बोर्ड से देख के फिगर्स लिख रहे हैं? डबल एंट्री सर, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट कैसे वर्किंग कर दूं? फाइनल बोल दें, फॉरन करेंसी मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट रेट, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड 150 मिलियन जी, 1000 में करना है 1000 में करें, मिलियंस में करना है मिलियंस में करें, और काइंडली मुझे भी अलाउ कर दें अगर मैं पूरे जीरो लगा रहा हूं। इस खौफ को खत्म करें, ये गेम राउंडिंग ऑफ की नहीं है, सही बात, राउंडिंग ऑफ करके बात आगे बढ़ाएं जी। नेक्स्ट डेट कंसंट्रेट करते जाएं, हिम्मत मारते जाएं। 31 December 2020, कंसंट्रेट करना, एक चीज, कुछ चीज हम यूज टू हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट क्यों थी, यहाँ है या नहीं है, कंसंट्रेशन रखनी है आपने जी सर। इस दिन रुकने की वजह बताएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रू होना, इस दिन पे भी होना, लेकिन पहले हम अक्रू करेंगे, एवरी डेट पे अक्रू करेंगे और स्पॉट रेट पे पे करेंगे। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करें? क्या किसी टेबल की जरूरत है? मेरा नहीं, क्या कंसंट्रेट करें, वहां क्यों थी, उन सवालों में क्यों थी और यहाँ क्यों नहीं? वहां इकट्ठी इंस्टॉलमेंट दी होती थी, इसके अंदर इंटरेस्ट था, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट है उसे सेग्रीगेट करने के लिए हम टेबल बना रहे थे। अब यहाँ भी टेबल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ शायद जहन में टेबल बन सकता है। कैसे? स्टार्टिंग बैलेंस बताया 1 मिलियन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? नो, नहीं, इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम खाली है, सिर्फ इंटरेस्ट ने अक्रू के, बस इंटरेस्ट ने पे होना। तो क्या 1 मिलियन ऑफ आउट्स, 1 मिलियन ऑफ डॉलर्स, 1 मिलियन डॉलर्स रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर? अब टेबल क्यों नहीं बना रहा? सर टेबल कब बना रहे हैं? लीज में बनाया, पिछले सवालों में बनाया, इंस्टॉलमेंट दी होती थी,
और इसमें इंक्लूसिव इंटरेस्ट था, तो इसमें इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल कितना अलग अलग कर लिया। अब इस ईयर का कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट होनी नहीं, सिंपली इंटरेस्ट है जिसे हमने सेग्रीगेट करना है। तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, 1 मिलियन। बहरहाल यहाँ करेंसी कौन सी लेनी है जिस पे रेट लगना, वो फॉरेन करेंसी लेंगे। तो फॉरेन करेंसी है 1 मिलियन, $1 million रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इंटू 8% मल्टीप्लाई करें, वर्किंग लिखे। What is $80,000 या रुपीज? डॉलर्स, बिल्कुल ठीक है। कब से कब तक इंटरेस्ट है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का है। एवरी रेट फॉर द ईयर ढूंढें, 2020 का एवरी रेट ढूंढें, कितना गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय या डिवाइड बाय। खैर आप लोगों ने प्रिंसिपल बना लिया, किसी एक सवाल में अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट में डिवाइड होना। आई होप कि बेस्ट सिंपल है। डॉलर्स डिवाइड बाय 1, डॉलर्स डिवाइड बाय डॉलर्स इनटू रुपीस। आंसर बताइएगा सर। और जो लोग मिलियंस में कर रहे हैं वो फंस गए हैं, कोई इशू नहीं। 112.04 बात खत्म हो गई, और 1000 में कर रहे हैं तो 12040 पे बात खत्म हुई हुई है, और अगर पूरा लिख रहे हैं तब भी बात खत्म हो जाएगी। एंट्री बोले सही बोले, नहीं सर जी बैंक क्रेडिट नहीं है, उसी तरह फाइनल रखें, पहले अक्रू करें फिर पेमेंट करें। ये अभी एवरेज रेट पे पेमेंट नहीं होनी, एवरेज रेट से बैंक क्रेडिट नहीं होना, तो इसको प्लीज फाइनल रखें। जो हो गया है बस उसको अब उसी तरह ही रखें, ना चेंज करें बार बार। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, कोई डरने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह लोन को देख लेंगे क्या होता है। 12040 ऑल्टरनेट्स पॉसिबल जरूर हैं, लेकिन प्लीज फंस जाएंगे हम। नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर 2020। किसकी पेमेंट? किसी इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की भी, कुछ तो होगा यार। अकॉर्डिंग टू पर्सन उसने सारे के सारे ने नेक्स्ट सेकेंड ईयर के एंड पे होना, तो इस ईयर के एंड पे सिर्फ क्या पे होना। डबल एंट्री सही बोले, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट कितने डॉलर से? $80,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या करो, स्पॉट रेट किस दिन का, तो अक्रू किस रेट पे करना है, एवरेज पे, पेमेंट किस रेट पे, स्पॉट रेट इनटू 151। और मत डरें, एक्सचेंज गेन लॉस सब नजर आ रहा है, अभी मैं फिगर्स लिखूंगा सब नजर आ रहा है, और फिगर्स इजी है रुपीज में, इसकी शायद कोई इशू नहीं है। 12080000। पहले बेटा इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट पेबल की जगह इसलिए ताकि लायबिलिटी कंबाइन आ जाए प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये बेटा पेमेंट हुई है, ईयर एंड पे जो इंटरेस्ट ड्यू होना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरेस्ट जो ड्यू होना था हर साल के एंड पे, उसमें हमने पे करना था ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर जो इंटरेस्ट है, उसे 31 दिसंबर पे होना है। और जब प्रिंसिपल उस 1 मिलियन ऑफ फॉरेन करेंसी का, उसने एक ही दफा एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स पे होना, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ ठीक है, और उसकी फिर पेमेंट करनी है। तो पेमेंट है ईयर एंड पे जब आप करेंगे तो फिर स्पॉट रेट यूज किया मैंने ठीक है। जी सर पहला साल खत्म? नो सर ट्रांसलेशन करवाए जी, बिल्कुल ठीक। कैसे वर्किंग करें सर? लोन एज पर बुक्स, नहीं सर जी लोन एज पर बुक्स गेम ऑन हुई है।
करें 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 लोन एज पर बुक्स फाइनल फाइनल कैसे सर? बेटा मैंने 80,000 इसलिए लिया बेटा क्योंकि 80,000 इंटरेस्ट की पेमेंट हुई यार। जुबैर मिस्टर जुबैर व्हाट्स गोइंग ऑन? 80,000 इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है तो मैंने 80,000 लेना है यार। जुबैर साहब मैंने 80,000 क्यों लिया है? क्योंकि बेटा 80,000 का इंटरेस्ट पे हुआ है रेंट। मिस्टर जुबैर प्रिंसिपल ने इकट्ठा पे होना 2 साल बाद यार। ओके जुबैर एग्जाम है यार बेटा कमाल है। मैं 8,000 समझा, ये 8,000 कहाँ है यार? लोन एज पर बुक्स, अभी तो गेम शुरू हुई है। लोन एज पर बुक्स की गेम प्लीज एंट्रीज देखनी सर। 150 मिलियन में प्लस हुआ कुछ? मैं इस वक्त मैं डरी गया सारा लॉजिकली भी बात कर लेते हैं एक दफा, कोई टेंशन फ्री रहेगा जो हो रहा है वो फाइनल करेगा। प्लस 12.040 ठीक है, माइनस ठीक है, सब कुछ नजर आ रहा है आपको अकाउंटेंट से माशाला, लेकिन आंसर बताएं यहाँ पे 1499 सही लिखवाइएगा, 1499 60 एज पर बुक्स 1499 60 60 149.96 मिलियन। कंपेयर किससे करना है ये बदला अपनी फिगर ठीक करें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट ज्यादा फिगर ठीक है, अब नेक्स्ट वर्किंग करो। लोन एज सॉरी लोन शुड बी एज ऑन लोन शुड बी कैलकुलेट करने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नहीं कौन सा क्लोजिंग बैलेंस? फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढें। और यार 80,000 भी है, क्या हो गया है? 80,000 को लोन में क्रेडिट भी किया है लेकिन फिर डेबिट भी किया, इंटरेस्ट जितना अक्रू किया था वो पे भी हो गया है, तो क्या फिलहाल सिर्फ प्रिंसिपल ही पेएबल है? वो अगले साल का इंटरेस्ट भी तो पेएबल हो गया, अगले साल का इंटरेस्ट अभी एक्सपेंस ही नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का जब एक्सपेंस होगा तब देखेंगे। तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी लोन पेएबल? $1,000,000 किधर गया? 80,000 अक्रू हुआ पे हो गया, तब 80,000 इज नॉट पेएबल, 1,000,000 प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल सॉरी पेएबल रह गया डॉलर्स में। किस रेट को ढूंढो आप? स्पॉट रेट किस दिन का? 151 वाज द स्पॉट रेट ऑन 31st December 2020 मल्टीप्लाइड बाय 151। आंसर बताएं 151 मिलियन। डरे बगैर एक मिनट डिफरेंस ले लें, डिफरेंस ले लें 1040000। इंडिविजुअली सोच के पहले एंट्री कर लें फिर इसे लॉजिकली भी सोचें, हो क्या रहा है? क्या लोन एज अ लायबिलिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ा दें सर, आगे हैं सर। लोन डेबिट या क्रेडिट? वाई क्रेडिट, अब बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, बढ़ रहा हो नहीं बेटा रिसीवेबल होता है। अच्छा ठीक, लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है आपको कैसा लग रहा है? क्या फॉरेन करेंसी टर्म्स में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है? सॉरी लोकल करेंसी टर्म्स में ठीक, मतलब एट द एंड ऑफ द डे मतलब लायबिलिटी हमारी रुपीज में 151 मिलियन पे चली गई। ये एंट्री पहले कर लें आप, लेकिन मुझे जरा अब इसे लॉजिकली भी एक दफा समझा दें, आप भी कंफर्टेबल हो जाएं। ये प्लीज वही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो होना चाहिए था।
जी ऑनलाइन स्टडीज कर ली, यहाँ तक वर्किंग अगर लिख ले तो बताइएगा। जब प्रोसीजर डिसाइड हुआ था उसके मुताबिक कोई मसला? एंट्रीज अगर रिवाइज करें, कौन सी चार एंट्रीज नहीं है? किस रेट पे पहली एंट्री? लोन लिया स्पॉट रेट, इंटरेस्ट अक्रू हुआ एवरी डेट, पेमेंट हुई स्पॉट रेट, ईयर एंड पे एक्सचेंज गेन लॉस का डिसीजन हो गया। लेकिन अब जरा कंडी ये जो एक्सचेंज गेन लॉस आया है इसको जरा अपनी एंट्रीज के साथ अलहदा अलहदा देखिएगा। सिर्फ प्रिंसिपल कंडी ढूंढना एक सेकंड के लिए, पहली एंट्री देखेगा। आपने जब लोन लिया था $1 million का पहली एंट्री, तो उस वक्त रेट 150 रुपीस था और आपकी लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई थी 150 million। फॉरगेट अबाउट इंटरेस्ट, ईयर एंड पे आते हैं। क्या ईयर एंड पे आते आते आपने प्रिंसिपल में से कुछ वापस किए? प्रिंसिपल एज इट इज $1 million है, लेकिन अब साल के एंड पे रेट हो गया 151, तो एक रुपया डॉलर महंगा हो गया। कितने का था, कितने का हो गया? तो वही 1 million dollars की जो लायबिलिटी थी उसपे एक रुपया पर डॉलर हमें लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? सिर्फ प्रिंसिपल के एंगल सोचेंगे तो 150 मिलियन का जो लोन रिसीवेबल सॉरी लोन पेबल रिकॉर्ड हुआ था वो अब 151 मिलियन का है। तो 1 million का आपको लॉस हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट की बेस पे, ठीक है यहां तक। अब जरा इंटरेस्ट एक्सपेंस देखा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया था, जब रिकॉर्ड किया था तो रेट क्या था? 150.5 था, और जब ईयर एंड में पे किए तो आधे रुपए का फर्क इंटरेस्ट की पेमेंट में हुआ। तो इंटरेस्ट के फॉरेन करेंसी रुपीस क्या थे? $80,000। तो $80,000 की पेमेंट करते हुए क्या हमें 0.5 रुपीस पर डॉलर का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है? 80,000 × 0.5 अगर आप करेंगे तो 40,000 का लॉस इंटरेस्ट की पेमेंट में हो रहा है। तो अब वो अलहदा अलहदा वर्किंग की बजाय हमारे सामने एक कंबाइन फिगर आ गई है 1040 का फॉरेक्स एक्सचेंज लॉस। दिस क्लियर है सर? तो देयर इज नो नीड कि हम अलहदा अलहदा वर्किंग करें। एट द एंड ऑफ द डे इस अमाउंट ने 1040 ने प्रॉफिट लॉस में ही जाना है, इकट्ठी चली जाए या अलग अलग कैलकुलेट हुई हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। डन है प्लीज? टाइम अभी है, एक भाई ने मोड़ के देखा है, तो देयर फॉर नेक्स्ट ईयर भी रहता भी है। बहरहाल आप कोई कंफ्यूजन लेके आगे तो नहीं चल रहे हम नेक्स्ट ईयर में? आप मेरे से पहले जरा ईयर एंड तक पहुंच जाओ, जानने से जरा मैं जरा कुछ बात जरा कर लूं। कोई मसला बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन रहेगी हो प्लीज? December 31, 2021 पे पहुंच गए। ये नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? 80,000 क्यों होगा? 1 million पे दोबारा लोन चला गया था और 1 million ओपनिंग बैलेंस है प्रिंसिपल टर्म्स में, तो मल्टीप्लाई बाय रेट पिछला इंटरेस्ट हमने पे कर दिया था, तो वो कहानी खत्म है।
एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस डेबिट, रेट क्या लेंगे 151.75, लोन क्रेडिट 1 to 140 1 to 140 000. नहीं फिगर ठीक है मेरी, ये इधर क्वेश्चन पहले सही तरह पढ़ लीजिएगा। 31 दिसंबर 2021 पे नहीं, अब सिर्फ इंटरेस्ट पे होना या प्रिंसिपल भी होना, इकट्ठी बहस करें सर। इंटरेस्ट भी 80,000 और प्रिंसिपल भी $1 million। एंट्री लोन डेबिट, हिम्मत करें हिम्मत, बैंक क्रेडिट, पेमेंट 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 करें करें करें, टोटल 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 रेट से उन्हें फाइंड अप करें। ठीक है ठीक है, करें करें करें, 164.7 million बनेगा। कैसे? $1 million प्रिंसिपल वापस होना है, 80,000 इंटरेस्ट साथ जाना है। यार पिछला भी इंटरेस्ट था यार, वो पे हो गया हुआ, अब सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट साथ जाना। वंस अगेन देयर इज नो नीड कि हमें लहदा लहदा सोचे, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट रेट 152.164.7 million। ठीक है सर, वर्किंग प्रिंसिपल इंटरेस्ट की पेमेंट जो मैं लिखा हूँ, प्लीज क्लियर है। सेकंड ईयर के एंड पे दूसरे साल का इंटरेस्ट और साथ साथ प्रिंसिपल भी रीपे होना था। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? सेम डेट था, दोबारा लिखें। सेम डेट दोबारा लिखें, डेट बोले क्या? लोन की ट्रांसलेशन करवाए। ओ यस सर, सर बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मेरी बात आपने नहीं सुनी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वैसे डेट लिखी हुई। December 31, 2021 वैसे लिख लें। जी डेट लिखिए सर, बाकी डेट लिखा थोड़ा, और काइंडली कंसेंट्रेशन से मेरी चंद बातें सुनो। लोन एज पर बुक्स की एक मिनट वर्किंग करवाएं, लोन एज पर बुक्स की एक मिनट काइंडली वर्किंग करवाएं। स्टार्ट कहां से लेंगे? प्लीज फुल कंसेंट्रेशन, फुल कंसेंट्रेशन। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया था 151 मिलियन, सॉरी। करंट ईयर की एंट्रीज देखें, करंट ईयर की एंट्रीज देखें, प्लस माइनस करवाएं। करंट ईयर में पहली एंट्री कितने से हुई? प्लस करें माइनस करूं? प्लस 1 to 140 000, माइनस करवाएं। माइनस क्यों करवा दें? लोन डेबिट हो रहा है, लोन डेबिट हो रहा है। एक मिनट आंसर बताएं, ये आंसर भी खतरनाक आ रहा है, ये तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। मत डरे मत डरे मत डरे मत डरे, आंसर आ रहा है। ये आंसर होना क्या चाहिए था आपको पता? लोन शुड भी लिखवाया था। लोन शुड भी का तरीका क्या होता है?
फॉरेन करेंसी पेबल बताएं कितना है, सारी प्रिंसिपल देना है, अभी इंटरेस्ट देना है। क्या फॉरेन करेंसी पेबल जीरो है? शुड बी तो जीरो है, लेकिन हमारी बुक्स के मुताबिक जीरो अभी नहीं बन रहा है। वो क्यों नहीं बन रहा है ये बात अभी टाइम कंज्यूमिंग है, मैं कल इंशाल्लाह यहां से स्टार्ट करूंगा। आप लोग इस तरह करें, पेज नंबर 326 पे ही वापस आए। एक लास्ट पॉइंट जरा अभी रह गया, टाइम जरा ज्यादा चाहिए, इंशाल्लाह कल दोबारा यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर टू जरा होमवर्क रखें, ये जो इधर ही 326 पेज पे क्वेश्चन नंबर टू, इमीडिएटली आफ्टर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू एक है, इसको कंडी होमवर्क रखना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जरा इसका पीडीएफ शेयर करना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कंडी जरा एक आध दिन जहां इतना वेट किया आपने, जरा इसका पीडीएफ शेयर होगा। क्वेश्चन नंबर टू एक और नया चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर टू आपके पास चैप्टर फोर होगा, सॉरी इस जो चैप्टर शेयर होगा उसका क्वेश्चन पेज नंबर फोर होगा, तो कंडी आप भी साथ साथ चलें। बाकी ये कंडी थोड़ी सी मेरी बात रहेगी, ये इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करता हूँ। बेटा अगर लोन क्रेडिट हो रहा है इसलिए तो लोन में प्लस हुआ, लोन क्रेडिट हुआ है इसलिए लोन की लायबिलिटी में प्लस हुआ है, लायबिलिटी क्रेडिट हुआ है तो प्लस हुआ है, लोन बढ़ रहा है क्रेडिट होके और लोन डेबिट होके फिर कम हो रहा है, ये लोन प्लीज इस वक्त लायबिलिटी बना हुआ, लायबिलिटी क्रेडिट होके बढ़ी है और डेबिट होके कम हो रहा है, ठीक है प्लीज। अल्लाह हाफिज़।